मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप पे आप इसको शेयर करें। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यदि होती है आपको, या किसी भी प्रकार का आपको सजेशन यदि देना है, और आपको अगर यदि समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स बॉक्स में कम से कम अपना है ना कमेंट्स लिख के हमें जरूर बताएं। तो आज हम पढ़ने वाले, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 2 साल का सीआई, अब हम पढ़ेंगे 3 साल का सीआई। तो 2 साल का सीआई हमने देखा था, 3 साल का सीआई की रेट ऑफ परसेंट ये है। यदि मैं बता दूंगा आपको कैसे निकालना है, ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार से भी करना है अपने को, लेकिन मैं अभी रामबाण तरीका आपको बताऊंगा अभी लास्ट में। अभी लास्ट में क्या, इसी वीडियो में बता दूंगा आपको मैं इसका रामबाण तरीका, यानी कि हर एक क्वेश्चन में वो जो कॉन्सेप्ट है हर एक में अप्लाई होगा, और उसको इतने अच्छे से सोल्व कर पाओगे, आपको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन को भी किया जा सकता है। तो देखते हैं, जब कभी भी हमें, हमारे पास टाइम कितना होगा, 3 वर्ष का, और रेट ऑफ परसेंट होगी आपकी 5%, तो एसआई उसकी हो जाएगी 15%, और सीआई उसकी हो जाएगी 15.7625%। जब कभी भी आपको रेट ऑफ परसेंट दी हो 8%, तो एसआई की परसेंट हो जाएगी आपको 3 वर्ष की 24%, और सीआई की हो जाएगी 25.9712%। रेट ऑफ परसेंट आपको दी हो 10%, तो एसआई हो जाएगी 30%, और आपकी सीआई हो जाएगी 33%। तो इसी प्रकार से 12 की एसआई हो जाएगी 36%, और सीआई हो जाएगी 40.5028%, 15% की 45% एसआई, और सीआई हो जाएगी आपकी 52.0875%। जब कभी भी आपको रेट ऑफ परसेंट 20% दी हो, तो इसकी हो जाएगी 60% एसआई, और सीआई हो जाएगी इसकी आप 72.8%। तो देखते हैं इसका निकालने का तरीका, जैसे कि हमने बताया था 2 वर्ष का, 2 ईयर का बता रहा हूं मैं, 2R+R²/100। लेकिन अब 3 ईयर का बताता हूं मैं, जब कभी भी 3 ईयर की रेट ऑफ परसेंट अगर यदि निकालनी हो, वो भी किसकी, सीआई की, तो 3R+3R²/100+R³/10,000, ये इसका रेट ऑफ परसेंट निकालने का एक तो तरीका ये है। जैसे कि यदि मैं निकाल के बताता हूँ कि 10% की वैल्यू, तो मैंने 10 की लिखी यहाँ पे, आर की वैल्यू कितनी लिख दी, 10+3R² की 10² कितने होगा, 100+R³ यानी कि 10³ कितने होगा, 1,000/10,000। तो ए 4 0 हटाई और 4 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 4 अंक के बाद पॉइंट लगा, यानी कि 0.1, और यहाँ पे 100 था, 0 से 0 कैंसिल, 10 3 30 प्लस कितने, 3 33 और 0.1, तो टोटल कितने होगा, 33.1%। तो इस प्रकार से निकलेगी एससीआई की, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज। तो इसका एक और तरीका है, जैसे कि मैंने 2 ईयर में आपको बताया था 2 और 1, लेकिन 3 ईयर में होगा आपका 3 3 1, क्या 3 3 1। जैसे कि अगर मैं मान लूं कि यहां कितनी रेट ऑफ परसेंट थी, तो मुझे ये बताइए दोस्तों, आपकी प्रिंसिपल आपका मान के चलो कि कुछ भी होता था 10,000 होता था, और रेट ऑफ परसेंट होती थी आपकी 10%, तो ये जो 10% आप निकाल के कहाँ लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे। जैसे कि अगर मैं मान लूँ इसका ब्याज ही निकालना है, मेरे को सीआई निकालना है, यदि 1 अंक के बाद पॉइंट लगाए कितने बचे, 100 रुपये, तो 100 रुपये यहाँ लिखेंगे, फिर 1 अंक के बाद पॉइंट लगाए 10 रुपये बचे, 10 यहाँ लिखेंगे, फिर 1 अंक के बाद पॉइंट लगाए 10% के बराबर आ जाती है, यानी कि यहाँ लिखेंगे। तो दोस्तों ये 100 10% के इक्वल में है, तो ये भी 10% के इक्वल में किसका है, 100 का, ये भी 10% के इक्वल में किसका है, 10 का, यानी कि मैं यहाँ 100 रुपये लिख दूँ या फिर चाहे 10% लिख दूँ, तो भी बात क्या होगी, बात वही होगी। तो आप इस प्रकार से भी इसको निकाल सकते हो कि 10%, 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है, 1 का 10% कितना होता है, 0.1%, तो भी आप निकाल सकते हो, 30,
तीन का इंटू एक में किया तीन, एक पॉइंट एक का इंटू पॉइंट वन में किया तो पॉइंट वन, सारे को प्लस करो 30 3 33, 33.1 हो गया। तो इससे भी आप निकाल सकते हो सी आई। लेकिन हम देखेंगे इसको कि आपको दिया है 10,000 रुपये, रेट ऑफ परसेंट दी हो आपको कितनी 10%, टाइम आपको दिया है कितना 3 ईयर, और सी आई आपको निकालना है। क्या निकालना है? सी आई निकालना है। तो एक बार तो मैं इससे बता दूंगा आपको, और फिर एक बार उससे बता दूंगा, फिर एक अपना रामबाण जो तरीका है वो देखते हैं। तो आप दोस्तों, पिछले टाइम में आपने 2 2 1 2 और 1 किया था, लेकिन जब कभी भी 3 वर्ष की बात आ रही, 3 3 1 करेंगे। क्या करेंगे? 3 3 1 करेंगे। तो देखते हैं, 10,000 का 10% यानी एक अंक के बाद मैंने यदि पॉइंट लगाया है, यानी कि ये अपने आप में 10% रह जाती है। 10% की वैल्यू कितनी है? 1,000। तो मैंने यहाँ 1,000 लिखा। अब ऊपर वाले को भूलना है बस ये देखना है। तो एक अंक के बाद फिर पॉइंट लगाया, कितना बचा? 10%। 10% की वैल्यू कितनी रह जाती है? 100। फिर एक अंक के बाद पॉइंट लगाते कितना रहता है? 10%। 10% की वैल्यू कितनी रह जाती है? 10। यानी कि 1,000 का इंटू में 3,000, 3 में करूंगा 3,000 मिल जाएंगे मेरे को। 100 का इंटू 3 में करूंगा 300 मिल जाएंगे मुझे। 10 का इंटू 1 में करूंगा 10 मिल जाएंगे। सारे को प्लस यदि करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 3,310 रुपये। यानी कि जब कभी प्रिंसिपल 3 10,000 होंगे, रेट ऑफ परसेंट आपकी 10% होगी, टाइम आपका 3 वर्ष होगा, तो उसका सीआई आपको निकल के आ जाएगा कितना? 33,10 रुपये। चाहे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको परसेंटेज बताई है, ये 10% है, आपके पास टाइम 3 वर्ष है, तो इसकी सीआई कितनी रहेगी? 33.1%। तो आप कितनी परसेंट के बराबर रह गई? अब ये 10% के बराबर एक अंक के बाद पॉइंट लगा दे। यदि 2 अंक के बाद में पॉइंट यदि लगा देता हूं, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, 1% की वैल्यू कितनी बची है? 100 रुपये। जब 1% की वैल्यू 100 बची है, तो हमें निकालना है 33.1%। तो 33.1, तो ये 1 हटा, एक 0 लगे, 0 से 0। 331 का इंटू आप 10 में करोगे तो आपको आंसर मिल रहा होगा 3,310 रुपये। तो इसको इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो अब देखते हैं हम, क्वेश्चन में यदि आपको यह भी दिया होता, प्रिंसिपल आपको नहीं दिया होता, आपको क्या ज्ञात करना होता? प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना होता। आप रेट ऑफ परसेंट आपको दी होती 10%, टाइम आपको दिया होता 3 ईयर, और सीआई और एसआई का अंतर आपको दिया होता 662 रुपये। कितने? 662 रुपये। अब 662 रुपये आपको दिए होते, सॉरी 662 नहीं है, ये ओनली 62, 62 रुपये सीआई एसआई का अंतर दिया होता, तो आपको ज्ञात करना होता प्रिंसिपल। तो कैसे करते? रेट ऑफ परसेंट आपको कितनी दी है? 10%। टाइम कितना दिया? 3 ईयर। सीआई और एसआई का अंतर कितना बताया है? 62 रुपये। तो दोस्तों, ये एसआई की परसेंटेज है और ये सीआई की परसेंटेज है, तो एसआई और सीआई का अंतर यहाँ आपको पैसे में दिया, तो हम परसेंटेज में याद कर लेते हैं। 33.1 में से अगर 30 जाएंगे तो 3.1% बचेगा, यानी कि 3.1% में अंतर है सीआई एसआई का, और रुपए में है 62 रुपये। तो हम प्रिंसिपल को हमेशा कितना मानते हैं? 100। तो 100 के इक्वल में क्या हुआ? तो पॉइंट हटा, 0 लगी, 31 दुने 62। जब 2 का इंटू आप 1,000 में कर रहे होंगे, तो आपको मिल रहा होगा 2,000 आपका प्रिंसिपल। कितना मिल रहा होगा दोस्तों? 2,000 रुपये। यदि आप इसको मैं मिटा दूं, यदि आप प्रिंसिपल में प्लस यदि कर देते हो सीआई, तो आपको मिल जाता है अमाउंट। कितना मिल जाता है? अमाउंट मिल जाता है। यदि अगर प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है और सीआई कितनी है हमारी, यही क्वेश्चन आपको दिया हो,
यही 33% है हमारी, 33.1% अमाउंट बन जाएगा हमारा 133.1%। तो ये तरीका तो हमने देखा अभी, तो हम उस प्रकार को देखने वाले थे। तो देखते हैं, हमें दिया होगा प्रिंसिपल आपको 20,000 रुपये, आपको रेट दी होगी 11 सहित, सॉरी 1/2, या फिर आप मान लो इसको 12 सहित 1/2%। टाइम आपको दिया होगा कितना, 2 ईयर, और आपको सीआई निकालना है। इस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो कैसे, आपको प्रिंसिपल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप पॉइंट में वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पे अपना तरीका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो आज मैं तरीका बताने वाला हूँ, इससे कोई भी मुश्किल काम भी आसान बन जाएगा। सीआई का चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, इस तरीके से 101% बनेगा। तो देखते हैं कैसे। तो हमने परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो में देखा था कि 12 सहित 1/2 की वैल्यू होती है 1/8। क्या होती है, 1/8। तो हम देखते हैं, यदि अगर मैं मान के चलूं कि हमारा प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये, रेट हमारी कितनी है, 10%। तो ऐसा ही देखा मैंने पहले, तो इसका ऐसा ही मैं मान के लूँ कि इसका 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपये। यानी कि ये ऐसा ही है, और ये दूसरे वर्ष का भी ऐसा ही है, पहले वर्ष का और ये सेकंड वर्ष का है। मैंने अभी इसको भूलना है, अभी आपको मैंने अभी किसी प्रिंसिपल को 100 रुपये माना है, कितने रुपये माना है, 100 रुपये, और मुझे रेट दी है इस पे कितनी, 10%, और टाइम भी मुझे दिया हो 2 वर्ष, कितना दिया हो, 2 वर्ष। तो हम ऐसा ही निकालेंगे पहले, तो इसका 10% कितना हो गया, 10। यदि अगर मैं मान के चलूं कि 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10, तो इसका 1/10 निकाला मैंने, और इसका भी 1/10 निकाला। तो दोनों का मैंने क्या निकाला, 10, 1/10, 1/10 निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि ऐसा ही पहले वर्ष की भी समान होती है, दूसरे वर्ष की भी समान होती है, और तीसरे वर्ष की भी समान होती है, यानी कि ऐसा ही हमेशा इक्वल होती है हर वर्ष में। सॉरी ये 110 था। तो 100 का 1/10 कितना हुआ, 10। 100 का 1/10 कितना हुआ, 10। और सीआई का ये बोलना है कि किसी भी इंटरेस्ट के पहले यदि इंटरेस्ट लगा हो तो उस पर भी ब्याज का ब्याज लगेगा। यानी कि इसके पहले कोई हमें ब्याज मिल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इससे पहले कोई ब्याज नहीं लगेगा। यदि अगर मैं बात करूं, इससे पहले मुझे ब्याज मिला ये वाला, ठीक है, तो इसका 1/10 अगर निकालूंगा कितने मिलेंगे, 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमारी ये पूरी बनकर तैयार हो गई है सीआई की वैल्यू, कि 10 और 10 20 और 1 कितने हो गए, 21। तो 21 की वैल्यू हमारी क्या है, सीआई है। और ये हमेशा वाली लाइन हमेशा क्या होगी, ऐसा ही होगी, क्या होगी, ऐसा ही। और ये ऊपर वाली लाइन को छोड़ दिया जाए और सारों को अगर ले लिया, जैसे कि ये बच रहा, तो ये हमारा होगा सीआई और एसआई का अंतर। क्या होगा दोस्तों, सीआई और एसआई का अंतर। ये एक सिद्ध वाली जो लाइन है, ये वाली हमेशा एसआई की होगी, यानी कि एसआई परसेंटेज में मिल जाएगी हमें। और यदि मैं सारों सारी वैल्यू को यदि मैं प्लस करके देखता हूं, तो हमें मिलती है सीआई की वैल्यू। यदि ये वाली वैल्यू अगर मैं हटा देता हूं, और जो वैल्यू बचती है उसको अगर मैं काउंट करूंगा, तो वो होगा सीआई और एसआई का अंतर। जैसे कि अगर मैंने देखा यहाँ पे सीआई एसआई कितनी हो गई, 20। तो मैं मान लू कि एसआई हमारी 20 हो गई, सीआई कितनी हो गई, 10 10 20 और 1 21, और सीआई एसआई का अंतर कितना हो गया, इन दोनों को हटाया जो भी वैल्यू बची, क्या बची, 1 बची, तो वो 1 है। यानी कि अभी हमने देखा है कि
एस आई है ये और सी आई पूरा काउंट किया ये हो गई, और दोनों को हटा के जो भी वैल्यू बची वो एस आई सी आई की अंतर है। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, सॉरी ये देखते हैं कि 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 12 सहित 1/2%, और आपको रेट ऑफ परसेंट क्या दी है, यही दी है। तो देखते हैं हमें वैल्यू दी है कितनी, 20,000। यदि 20,000 का मैं 1/8 निकालूंगा, इसका भी 1/8 निकालूंगा, तो इसका 1/8 क्या हो जाएगा, 1/8 अगर यदि मैं 8 निकालूंगा इसका, देखते हैं 2,000 सॉरी 20,000 का 1/8, तो 8 × 2 = 16 और 8 × 5 = 40, कितने निकले, 2,500 रुपये। यानी कि 2,500 रुपये पहले वर्ष का होगा साधारण ब्याज, तो दूसरे वर्ष का भी 2,500 रुपये क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। इसके पहले कोई ब्याज लगा, नहीं लगा, तो इस पे ब्याज नहीं लगा, लेकिन इसके पहले कोई ब्याज लगा, बिल्कुल लगा, तो उसका 1/8। 1/8 यदि 8 में इसका निकालूंगा, तो 1/8 निकाला तो कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16, बचे कितने यहाँ पे, सॉरी 8 × 3 = 24, बचे कितने यहाँ पे, 1 हो गया 10, 8 × 1 = 8, बचे कितने, 2 हो गए 20, पॉइंट लगा 8 × 2 = 16 और 8 × 5 = 40। यानी कि अब इसका सीआई मुझको मिल रहा है कितना, 25 25, 5,000 5,000 ये 5,000 31.25 रुपए मुझे मिल रहे होंगे इसका क्या, सीआई। तो इसका एक और तरीका देखो आप, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि डिस्काउंट की जब भी बात आती है तो कम वैल्यू होती है, और सीआई की जब भी बात आएगी तो इंक्रीज वैल्यू होगी, यदि इंक्रीज होता जाएगा। तो 12.5% की वैल्यू क्या है, 1/8 है, यानी कि पहले 1/8 था और एक उसमें क्या हुआ, प्लस हो गया, तो पहले 8 था और क्या हुआ, अब 9 हो गया, अब 9 हो गया। टाइम की यदि बात आती है 2 वर्ष की, तो दूसरे वर्ष में भी पहले वर्ष में भी 12.5% लगा होगा, यानी कि 1/8 लगा होगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम प्लस करके फिर 12.5% लगाएंगे, यानी कि दूसरे वर्ष में भी ये कितना होगा, 8 होगा, और इसके बाद दूसरे वर्ष में भी ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका इंटू किया और इसका भी इंटू किया, तो 8 × 64 और 99 = 81। यानी कि यदि मेरा प्रिंसिपल 64 है तो मेरा अमाउंट अब बन चुका है 81। कितने बन चुके हैं दोस्तों, 81। तो अब अमाउंट से यदि मैं प्रिंसिपल हटा देता हूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, सीआई मिल जाएगा, यानी कि ब्याज। तो कितने हो गए, 11 और 17, यानी कि मुझे सीआई की वैल्यू कितनी मिली है, 17। कितनी मिली है दोस्तों, 17। तो अब प्रिंसिपल की वैल्यू 64 है और यहां रुपए में कितनी है, 20,000। 20,000 की वैल्यू यदि 64 है तो 17 की वैल्यू कितनी होगी, यही निकालना है हमें। तो अगर मैं यदि 400, 4 से अगर भाग दूंगा, 4 से कितनी बार जाएगा, या फिर 8 से काउंट कर ले, 8 × 2 = 64, 8 × 2 = 16 और 8 × 5 = 40। अब फिर 8 से मैं बाद में इंटू कर भाग दूंगा, फिर पहले इंटू कर लूँ, 17 की 0 = 0 = 85, 17 × 2 = 34 और 8 कितने होगा, अभी 42, 8 से भाग देना है, 8 × 5 = 40, 2 बचे, हो गए 25, 8 × 3 = 24, बचे कितने, 1 × 8 = 8, बचे कितने, 2 हो गए 20, 8 × 2 = 16, बचे कितने, 2 सॉरी 4 बचे और 8 × 5 = 40, यानी कि 53, 12.5 ये आंसर आ रहा होगा इसका।
यानी कि अब हम अप्लाई करने वाले हैं किस चीज का? हमने परसेंटेज में पढ़ी थी, जैसे कि 10% की वैल्यू कितनी है 1/10, 11% की वैल्यू कितनी है 9 सहित 1/11%, 9 सहित 1/11% की वैल्यू 1/11, और 1.5% की वैल्यू कितनी है 1/8। अब ये कंटेंट देखने वाले हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, और यही होगा हमारा क्या रामबाण हर एक क्वेश्चन को हल करने का।